रतिया में आज गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब हरियाणा के मुख्य वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया। श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस को समर्पित आज शहीद भगत सिंह नौजवान सभा पंजाब हरियाणा तथा हरियाणा छात्र यूनियन द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ममता राम पांचाला मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा क्षेत्र भर के अन्य सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों तथा किसानों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए अपने संबोधन तथा मीडिया कॉन्फ्रेंस में जलंधर पंजाब से पहुंचे ममता राम पासला ने कहा कि आज के परिवेश में श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह बहुत बड़े दार्शनिक थे तथा उन्होंने स्वस्थ समाज की स्थापना का जो उपदेश दिया था वह बहुत जरूरी है। वर्तमान युग में हम उनकी शिक्षाओं पर अमल ना करते हुए रास्ते से भटक गए हैं, इसीलिए आज हमें तरह तरह की मुसीबतों तथा संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जो कर्म करने का संदेश उन्होंने दिया था वह आज निर्मूल सिद्ध हो रहा है, क्योंकि लाखों युवा बेरोजगार रोजगार के अभाव में सड़कों पर भटक रहे हैं। आज गुरु नानक देव जी का जो हमने सेमिनार यहाँ रतिया में किया है, असल में वो जो गुरु नानक देव जी का 550वां पर्व है, अभी सारे देश में मनाया गया और मनाते रहेंगे। अभी उन गुरु नानक देव जी के विचारों का मंथन करने के लिए सेमिनार किया गया। मैं समझता हूँ अमल नहीं हो रहा, यदि अमल होता तो हमारे देश की ये दशा ना होती। अभी हमारे देश में पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेकारी है, इस बात सारी सरकार दुनिया मानती है, और अभी लाखों लोग बेकार हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं करने को मिल रहा। राष्ट्रीय महासचिव मंगत राम पासला ने आगे बताया कि श्री गुरु नानक देव जी ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का भी संदेश दिया था तथा पूरी मानवता को मिलजुल कर रहने का रास्ता दिखाया था। यह केवल पंजाब में सिखों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए था। लेकिन आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, जो गुरु जी की शिक्षाओं के विपरीत है। इसीलिए उनकी पार्टी तमाम लोगों को साथ लेकर पूरे देश में अलख जगाने का काम करेगी, नानक देव जी की सच्ची शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए प्रेरित करेगी। गुरु नानक देव जी ने मानवता के लिए कुछ ऐसी बातें जिंदगी में की जो समाज में बुरी हो रही थी, जिन्होंने फिर हमको रास्ता भी बताया कि इस रास्ते पे कैसे जाना है। गुरु नानक देव जी ने अपने समय में जो लोगों से, गरीब लोगों से, जात के नाम के ऊपर जो किरत करने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जो राजा लोग थे जो लोगों का निपीड़न करते थे, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, और साथ में उस तरह की ज़िंदगी जीने का यत्न किया जिस तरह की ज़िंदगी वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है भाई उन्होंने कुछ बात और कही और अमल कुछ और किया, और उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की जो सारी मानवता की बात है, अकेली पंजाब की बात, अकेली सिखों की बात नहीं है, सारे मानवता की बात है। यदि हम उन बातों को समझ लें आज भी, तो मैं समझता हूँ हमारे देश की बहुत सी समस्याएं वो हल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज परेशान होकर किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, अमीरी गरीबी में खाई बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं को दूर करने में, उन पर चिंतन करने के लिए 8 जनवरी को पूरे देश में संघर्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसमें दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने भी संकट के समय संघर्ष का रास्ता अपनाने का संदेश दिया था, उनको जांच करने का यह भी एक तरीका है। और हमारे देश में जो किसान है अभी बहुत सारी समस्याओं का शिकार है, वो आत्महत्या कर रहा है, देश में गरीबी और अमीरी का पारा बढ़ता जा रहा है। इससे भी बड़ी बात जो नानक ने कही थी, नानदेव जी ने, कि हमारे सब धर्मों के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए, कोई आदमी अपने आप को एक धर्म का नाम दूसरे को ना मारे। आज समाज में ये परिस्थिति हमारे सामने है कि धर्म के नाम के ऊपरी लोगों को पढ़ने का यत्न किया जाता है। आपकी संस्था इस ओर क्या प्रयास करेगी? मैं समझता हूँ हमारी प्रयास ये है कि हम इस तरह की शिक्षा लोगों को लेके जाएंगे, जो नानक के नाम की असली बात लोगों को नहीं बताते, हम उसके विपरीत असल में जो फलसफा था नानदेव, उसको लेके लोगों के पास जाएंगे। एक बात, दूसरा जो नानक देव जी ने कहा कि अकेला कहने की बात नहीं, उसके खिलाफ संघर्ष की बात है जिंदगी में, इसलिए बाबे नानक को कैद भी काटनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ देश के लोगों को समस्या के हल के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, सरकारों के खिलाफ, जो भी ज्यादती करता है उसके खिलाफ, ये हमारा दूसरा तरीका होगा।
और इसी ढंग से हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में 8 जनवरी को अगले साल में सारे देश के तमाम मजदूरों का, तमाम किसानों का एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अच्छी बात है कि नानक देव की वाणी हमको संघर्ष के लिए भी प्रेरित है, सत्य के लिए लड़ने की भी सिखाती है बात। उस 8 जनवरी का जो हमारा देश भर का एक आंदोलन होगा, हम उसको कामयाब करें। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा याद करने का ढंग बाबे नानक जी को यही हो सकता है। आज ही विचार गोष्ठी में अनेकों अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया तथा श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलवाया। इस विचार गोष्ठी में पंजाब हरियाणा शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के संयोजक मनदीप सिंह ने भी देश के शहीदों को याद करते हुए कहा कि यह उनकी कुर्बानी का ही फल है कि आज हम भारत का संविधान दिवस मना रहे हैं। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे शूरवीर कुर्बानियां ना देते तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संविधान बनाने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन हमें गर्व है कि आज हम भारत का संविधान दिवस मना रहे हैं। खबर तहलका के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।